न्यायालय ने वाहनों पर लाल बत्ती और सायरन इस्तेमाल के लिए कड़े नियम बनाए जाने का निर्देश दिया है। उपराज्यपाल ने पिछले दिनों गारा शर्मा के तालाब में डूबकर मरने वाले दोनों बच्चों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि मंजूर की है। अमरगंज पंचायत के बैमियों निर्वाचन क्षेत्र में हुए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देव कुमार चक्रवर्ती निर्वाचित हुए हैं। पुलिस ने पोस्टर की पोस्टो रोड क्षेत्र के 5 जुवानियों को गिरफ्तार किया है और एमवी नामगौरी आज चुने जा रहा है। समाचारों की संघ में ज्योति लकड़ा के साथ मैं राजीव चंद्र लाल। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए कि वाहनों पर लाल बत्ती और सायरन का इस्तेमाल केवल वही लोग करें जो संवैधानिक पद पर हैं। न्यायालय ने कहा है कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सरकार की ओर से दी गई इस सुविधा के दुरुपयोग पर रोक लगाई जानी चाहिए। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और बी गोपाला गौड़ा की खंडपीठ ने सरकार से कहा है कि वो इन सुविधाओं का गलत इस्तेमाल करने वालों पर भारी जुर्माना लगाए। न्यायालय ने इसके लिए सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया है। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह ने गारा शर्मा गांव के तालाब में पिछले दिनों डूब कर मरने वाली दो बच्चों के परिजनों के लिए उपराज्यपाल राहत कोष से 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मंजूर की है। दक्षिण अंडमान के बातुबस्ती में सेंट मैरिज स्कूल के निकट के निवासी पारून सरदार की 8 वर्षीय पुत्री कुमारी सुजाता सरदार और बुरेवास की 11 वर्षीय पुत्री कुमारी महेश्वरी खेत में सब्जियां तोड़ने गई थी और दुर्घटनावश फिसल कर तालाब में गिर कर डूब गई। दक्षिण अंडमान के हमरीगंज पंचायत क्षेत्र में सदस्य के लिए हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई है। मैमू निर्वाचन क्षेत्र में हुए इस उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार देव कुमार चक्रवर्ती ने कांग्रेसी उम्मीदवार सागरिका लकड़ा को पराजित किया। सांसद विष्णुपद रे ने कहा है कि अंडमान निकोबार राज्य सहकारी बैंक से हाल ही में दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के हटाए जाने के मामले में उनका कोई हाथ नहीं है। उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ मीडिया में गलत प्रचार किया जा रहा है कि हमने सीबीआई और भारतीय रिजर्व बैंक को इस संदर्भ में पत्र लिखा था। सांसद ने कहा है कि यदि कोई भी मेरे द्वारा उधर सांसद ने बीजे द्वारा 385 श्रमिकों को नियमित किए जाने के पहले की सेवाओं को सेवानिवृत्ति और पेंशन संबंधी लाभ के लिए गणना किए जाने के बारे में उपराज्यपाल के निर्देश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि इस समूह में राज्यपाल ने पहली बार उनके पत्र का स्वयं जवाब दिया है। उन्होंने इस संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय की कोर्ट सर्किट बैंक के फैसले को लागू किए जाने के बारे में राज्यपाल की ओर से सकारात्मक पहल का स्वागत किया है। प्रशासन के आपूर्ति विभाग में फायर ब्रिगेड के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद आरपी सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर लिया। उसे रविवार को कोटार के रजिया न्यायाधीश मुकामी सम्मेलन के अवसर पर सीमा 7.5 लाख रुपए तक होगी। योजना के बारे में विस्तृत जानकारी उद्योग निदेशालय के अलावा विजयपुर बकुलतला लिटिल अंडमान कार निकोबार और कैमल बे के शाखा कार्यालयों से कार्य दिवसों में प्राप्त किए जा सकते हैं। योजना का विवरण प्रशासन की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार अब आकाशवाणी पोर्टल से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, जुआरी गिरफ्तार, ऑटो रिक्शा मीटर, स्तनपान सप्ताह और जहाज।